नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, किसी भर्ती संबंधित कोई भी सूचना होती है आप सभी को लगातार मिलती रहती है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें। इस वीडियो में हम बात करेंगे जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। बहुत सारे अभ्यर्थी जूनियर शिक्षक भर्ती के कहीं ना कहीं तमाम सवालों के बीच में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। शासन आदेश के अनुसार जो कि नया देखने के लिए मिला है, उसके अनुसार क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिली उसी को लेकर डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि नया शासन आदेश यहाँ पर जारी हुआ है, जिसके माध्यम से आप सभी को पता है कि परीक्षा के अंदर थोड़ा बदलाव देखने के लिए मिला है। 25 फरवरी से आपके ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, साथ ही 3 मार्च तक आप सभी यहाँ पे जो आवेदन है वो करना शुरू कर देंगे। 17 तारीख आपकी जो अंतिम तिथि रखी गई है, 19 तारीख तक आप सभी यहाँ पे जो अपनी सारी चीज़ें वो कर लेंगे, प्रिंट आउट वगैरह। लेकिन उसके बाद में 18 तारीख को आप सभी को चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी आपकी परीक्षा को लेकर। एडमिट कार्ड 9 तारीख को जारी हो जाएंगे, जो कि सबसे सिंपल चीज़ है, लगभग सबने आप सभी को बता दी होगी। लेकिन जो नहीं बताया होगा वो ऐसी चीज़ें मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। सबसे बड़ी चीज भाषा को लेकर, या फिर अगर बात करें विज्ञान, गणित या सामाजिक को लेकर छात्रों के मन में बहुत ज्यादा सवाल है। लेकिन ऐसे में यहाँ पे एक चीज और देखने के लिए मिली, जिसके आधार पर बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर भी हो सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी तक जितने भी शासन आदेश जारी हुए हैं उसके अंदर, या फिर अगर बात करें जियो के अंदर, क्लियर शब्दों में जानकारी देखने के लिए नहीं मिली है कि किस प्रकार आप सभी को यहाँ से जो चीज़ें वो देखने के लिए मिलेंगी आगामी भर्ती के लिए। हालांकि तिथियों के बारे में जानकारी दे दी गई है। अब जो नया शासन आदेश जारी हुआ उसके अंदर क्या क्या होगा मैं आप सभी को सबसे पहले बता दूं, क्योंकि सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन देखने के लिए मिल रहा है इसी पॉइंट को लेकर है। ना तो शासन आदेश के अंदर जानकारी दी गई, ना ही परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से। विज्ञापन 25 को जारी होगा, लेकिन जो शासन आदेश सरकार ने जारी किया है वो अभी यहाँ सोशल मीडिया पर भी देखने के लिए नहीं मिला, जिसके माध्यम से आपको और जानकारी मिले। लेकिन जब होगा तो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे छात्रों के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि भाषा, विज्ञान, गणित और सामाजिक के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। तो सबसे पहले जैसा कि आप सभी को ये तो पता है कि आपका एक पेपर होगा जो कि कॉमन होगा, चाहे वो प्रधानाध्यापक के लिए हो या फिर आप सभी देने वाले सहायक अध्यापक के लिए। लेकिन दोनों पदों पर चयन के लिए भाषा, विज्ञान, गणित और सामाजिक विषय की लिखित परीक्षा होगी। अभ्यर्थियों को इन 4 विकल्पों में से एक को यहाँ पर चुनना पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं आप सभी भाषा में से चाहे आप हिंदी को चुनेंगे या फिर इंग्लिश को या फिर संस्कृत को, लेकिन इसके अलावा विज्ञान, गणित और सामाजिक विषय में से किसी एक को आप सभी को चुनना पड़ेगा। उसकी आपकी लिखित परीक्षा करवाई जाएगी। मतलब जैसा कि आप सभी को बताएं कि OMR पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगी, नीचे लिखा भी हुआ, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप आपके जो क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल आता है कि छात्रों के द्वारा यहाँ पे सब्जेक्ट का सिलेक्शन किस आधार पे देखने के लिए मिलेगा, किस प्रकार आप सभी का यहाँ से सब्जेक्ट वाइज देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी रोज इसी सवाल को लेकर पूछते हैं। लेकिन ऐसे में जो खुशखबरी उनके लिए जो गणित और विज्ञान वाले हैं, अगर आपका गणित का विषय है तो आप गणित पढ़िए, अगर आप विज्ञान से हैं तो विज्ञान आप सभी को पढ़ना पड़ेगा, जो कि 100 क्वेश्चन आप सभी की एक परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। ऐसे में आप सभी को ये भी बताएं, लेकिन जो हिंदी और सामाजिक वाले, इंग्लिश वाले हैं, इनको यहाँ पे पूरा का पूरा पैटर्न पढ़ना पड़ेगा। सामाजिक वालों को सारा का सारा आप सभी का आ जाएगा, है ना, क्योंकि इसके अंदर आप सभी को बताया कि पॉलिटी भी देखने के लिए मिलेगी और भी जो हिस्ट्री वगैरह सब कुछ आप सभी को पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन जो गणित और विज्ञान वाले हैं उनको यहाँ पे अपना ही पार्ट पढ़कर 100 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देना पड़ेगा। लेकिन ऐसे में सवाल देखने के लिए मिलता है कि सर हम चूज कैसे करेंगे। तो चूज करने के केस के अंदर अभी तक शासन आदेश के अंदर जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि यहां पे आप सभी से जो आवेदन लिए जाएंगे वो आपके ग्रेजुएशन के आधार पर देखने के लिए मिलेंगे। अब ग्रेजुएशन के अंदर लास्ट ईयर आपका जो भी सब्जेक्ट रहा होगा उसके अनुसार आप सभी यहां चूज कर सकते हैं, चॉइस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप हिंदी से हैं तो हिंदी के आधार पर आप सभी से आवेदन लिए जाएंगे, या फिर आप सभी इंग्लिश से हैं तो इंग्लिश के आधार पर ले लिए जाएंगे। ऐसे में आप सभी उसी सब्जेक्ट को यहाँ पर ले पाएंगे। इसके अलावा अगर कोई और खिचड़ी पकाने का प्रयास किया जाता है तो बहुत सारे अभ्यर्थी कहीं ना कहीं भर्ती से बहुत सारी समस्याएँ लेकर के आ जाते हैं और कहीं ना कहीं बाहर भी हो जाते हैं।
क्योंकि अभी तक सरकार की तरफ से स्पष्ट शब्दों में जानकारी नहीं दी गई, विज्ञापन भी जारी नहीं हुआ है, तो ऐसे में आप सभी चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि आपको किस प्रकार यहाँ पे जो चयन है वो करवाया जाएगा। बाकी विज्ञापन या फिर शासन आदेश आने के बाद में और भी जानकारी आप सभी को इसके बारे में मिली जाएगी। लेकिन ऐसे में आप सभी को पता है कि कट ऑफ पहले से तय कर दिया गया, समय सारणी आप सभी के सामने जारी हो गई है। अब इसके बारे में बहुत सारे अभ्यर्थियों के अपने अपने विषय को लेकर सवाल हैं, जो कि कहीं ना कहीं विज्ञापन आने के बाद क्लियर होगा, लेकिन जो गणित और विज्ञान वाले हैं उनके लिए बहुत राहत है। लेकिन जिनका लास्ट ईयर में जो सब्जेक्ट होगा उसके आधार पर वो लोग यहाँ आवेदन कर पाएंगे, तो उसके अनुसार आप लोग अपना सब्जेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें 50 क्वेश्चन के पार्ट को लेकर, वो आप सभी को दोनों को ही देना पड़ेगा, चाहे अगर वो आप सहायक अध्यापक के लिए, प्रधानाध्यापक के लिए, कोई भी विषय आप चूज करते हैं तब भी आप सभी को 50% का जो पार्ट पूछा जाएगा, जो कि सामान्य अध्ययन का देखने के लिए मिलेगा, वो आप सभी के लिए यहाँ पर आवश्यक रहने वाला है। तो ऐसे में सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन है भाषा को लेकर, गणित को लेकर, विकल्प को लेकर, किस प्रकार चूज़ किया जाएगा, इसी प्रकार आप सभी को भर्ती में देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे में ये आप सभी का बिल्कुल क्लियर हो जाता है, बाकी आवेदन शुरू होंगे तो आपको बता ही देंगे, है ना। बाकी आप सभी को पता है कि सारी जानकारी तो दे दी गई है नए शासन आदेश के अंदर कि कब कब आप सभी का क्या क्या होने वाला है, ये आपको पता चल गया है। लेकिन ऐसे में एक बड़ी जानकारी और है जो प्रधानाध्यापक के लिए है, अगर आप लोग सहायक अध्यापक बनना चाहते हैं साथ ही प्रधानाध्यापक भी, तो ऐसे में आपके लिए यहाँ पे एक आवश्यक है कि सहायक अध्यापक के रूप में 5 वर्ष का जो आपका अनुभव होगा वो पूरे तरीके से अनिवार्य है, क्योंकि बहुत सारे छात्र इस चीज़ को लेकर पूछते हुए दिखाई दे रहे थे कि सर अगर 5 साल का अनुभव नहीं होता है तो क्या हम यहाँ पर जो कहने की आवेदन कर सकते हैं, इस भर्ती के अंदर शामिल हो पाएंगे प्रधानाध्यापक के लिए, तो ऐसे में आपको बैठने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आप बैठ भी जाते हैं तो बाद में 5 वर्ष का अनुभव नहीं होगा, तब भी आपको कहने की यहाँ से नौकरी नहीं मिलेगी, तब भी बाहर कर दिए जाएंगे। तो प्रधानाध्यापक पद के लिए सहायक अध्यापक के रूप में 5 अध्यापन का जो अनुभव है पूरे तरीके से अनिवार्य किया गया है। प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा दोनों पदों के लिए अनिवार्य है, इसमें 2 खंड आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहले के अंदर 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे, दूसरे खंड के अंदर संबंधित विषय से आप सभी से पूछे जाएंगे। दोनों पदों के लिए अलग अलग आवेदन लिए जाएंगे, लेकिन जो अभ्यर्थी दोनों पदों के लिए आवेदन करना चाहेगा उन्हें एक ही ऑनलाइन आवेदन दोनों प्रश्न पत्रों की चयन सुविधा दी जाएगी। वहीं दोनों की जो परीक्षा है वो शुल्क अलग अलग देना पड़ेगा, जो कि आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे में OMR पे आपकी जो परीक्षा वो होने वाली है, जो कि सारी जानकारी मैंने आप सभी को पहले से दे रखी है। लेकिन जो सब्जेक्ट के कॉम्पिटिशन को लेकर छात्रों के मन में सवाल देखने के लिए मिलता है, उससे कहीं ना कहीं आप सभी को यहाँ से छुटकारा भी मिल गया होगा। तो ऐसे में आप सभी के सभी सवालों के जवाब जो भाषा को लेकर, गणित को लेकर मिल गए, अभी भी आप सभी के मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके आप सभी पूछ सकते हैं। साथ ही अगर हम बात करें शासन आदेश आने तक, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, उसके अंदर भी आपको बहुत सारी नई चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा जानकारी आप सभी टेलीग्राम चैनल को कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।